बच्चों आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देखो यहाँ पर दो चार्ज हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये होता है प्लस क्यू, ये होता है माइनस क्यू। इसका मतलब है इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनका नेचर अलग अलग है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन नेचर अलग अलग हो, इससे अपना एक डेफिनेशन बन रही है अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इन चार्जेस को क्या बोलेंगे? इक्वल एंड अपोजिट, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इनके बीच की डिस्टेंस अभी हमने क्या मानी है यहाँ 2a। ये जो डिस्टेंस है ये बहुत स्मॉल होनी चाहिए, बहुत ही छोटी। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? अगर ऐसा है तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में तीन बातें होती हैं। पहली बात होती है दो चार्ज होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। सेकेंड बात, उनकी नेचर अलग अलग होती है। थर्ड, वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। तो ये तीन बातें अगर किसी भी पेयर ऑफ चार्ज में हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल की बात की जाए तो HCl का जो मॉलिक्यूल है वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। बच्चों कैसे होता है? क्योंकि एच तो प्लस में होता है, एच प्लस, और Cl होता है माइनस में। अब प्लस में एक है तो इस पर प्लस ई चार्ज होता है। अगर एक प्लस आ रहा है तो प्लस ई, दो प्लस होते तो प्लस टू ई चार्ज होता। यहाँ पे माइनस भी बन है तो माइनस ई चार्ज। और इनके बीच की डिस्टेंस मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है तो इसलिए डिस्टेंस भी बहुत ही कम होगी। तो इसलिए ये पूरा सिस्टम क्या होता है? एक डाइपोल होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक कॉमन एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो HCl है, ठीक है। तो और वैसे अगर एक कॉमन डायग्राम देखें तो एक तरफ पॉजिटिव Q होगा, एक तरफ नेगेटिव Q होगा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बहुत ही स्मॉल होगी। तो इस पेयर ऑफ चार्जेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये एक क्वांटिटी है, ये क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज क्यू, इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लो क्यू, इसका और दूसरा किसका प्रोडक्ट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2a, एक तो चार्ज क्यू और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2a को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, उसका प्रोडक्ट फाइंड कर लें, तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, p। p एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, इसकी डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे होती है इसकी डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसी डायरेक्शन होती है इसकी। तो हम अगर इसको देखें तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड होता है। इसका आप चाहो तो कूलॉम इनटू मीटर इसका यूनिट बना सकते हो। कूलॉम तो चार्ज की हो गई, डिस्टेंस ये पूरी डिस्टेंस है, इसकी मीटर हो गई। डायमेंशन, कूलॉम की डायमेंशन मैंने आपको बोला याद करने के लिए A1 T1, ये आपको लर्न होनी चाहिए, और मीटर की L1। तो इसकी हो जाएगी M0 L1 T1 A1, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया जो एक पेयर ऑफ चार्ज होता है और वो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम और नेचर अपोजिट होती है और वो स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। अब इसके बाद एक इसका एप्लीकेशन आती है, फोर्स एंड टॉर्क फाइंड करते हैं, एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना फोर्स और टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब उसे हम कहां रखते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये हमारा एक टॉपिक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करना है और उस पर फोर्स और टॉर्क फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ डायग्राम देखो, पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शन में हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर बना लो पॉजिटिव, यहां बना लो नेगेटिव, इसको थीटा एंगल पर प्लेस कर दिया हमने। कौन से एंगल पर? थीटा एंगल पर, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरा आपका डाइपोल हो गया। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो लगता है, हमेशा याद रखना आप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक प्लस चार्ज को रख दोगे तो प्लस चार्ज उसी तरफ जाएगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रखा है, और अगर नेगेटिव को रखोगे नेगेटिव अपोजिट जाता है। तो नेगेटिव पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है,
क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ही तो बनाई थी, तो पॉजिटिव चार्ज तो इधर ही जाएगा और नेगेटिव इसके अपोजिट जाएगा, तो इस पर लग गया क्यूई, इस डायरेक्शन में माइनस चार्ज पर भी लगेगा उतना ही फोर्स, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, सब जगह एक जैसा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई होगा, यहाँ पर भी ई है, तो दोनों का फोर्स सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स तो जीरो आ जाएगा बच्चों, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर सबसे पहले फोर्स की बात की जाए तो आप कहोगे फोर्स तो नहीं लगता, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर देते हो तो टोटल फोर्स विल बी जीरो, ठीक है, क्योंकि दो फोर्स है, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। अब बात करते हैं टॉर्क की, तो टॉर्क बच्चों वो होता है जो किसी भी सिस्टम को रोटेटरी मोशन कराता है, घुमाता है। तो जरा सपोज करके देखो कि ये डाइपोल, एक फोर्स लगे इधर और एक लगे इधर, तो क्या ये रोटेट करेगा? बिल्कुल करने लग जाएगा। अगर ऐसे दो फोर्स लग रहे हैं, किधर लग रहा है किधर, तो ये इसको, ये दो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं ये इसको रोटेट कराएंगे, तो रोटेट कराने का मतलब टॉर्क तो लग रहा है। तो अगर हमें टॉर्क फाइंड करना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क को तो टो को मान लेते हैं हम, फोर्स कोई भी एक फोर्स ले सकते हो, इसमें दोनों सेम है क्यू ही। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये फोर्स जो दिख रहा है आपको और ये जो दिख रहा है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दोनों फोर्स से, ये फोर्स इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों के बीच में इससे भी 90 डिग्री पे हो ये लाइन, इससे भी 90 डिग्री पर हो, तो इस वाली बीसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमने बना दिया यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि दोनों फोर्स से 90 डिग्री पे लाइन होती है, उसी को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम ट्राइंगल एबीसी ले लें अगर वहां, और उससे साइन थीटा फाइंड कर लें, ये थीटा है बच्चों तो ये भी थीटा ही होगा, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो थीटा के सामने हो जाता है बीसी, बीसी इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस जो 90 के सामने होता है 2a, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की 2a होती है, किसी भी डाइपोल में प्लस और माइनस के बीच की डिस्टेंस 2a मान रहे हैं हम, ये डिस्टेंस होगी इसकी 2a। तो यहां से अगर हम बीसी को फाइंड करें तो 2a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a साइन थीटा, और इस बीसी को अगर हम इक्वेशन वन में रख दें, यूज इक्वेशन वन, देन वी गेट टॉर्क टॉ इज इक्वल टू क्यूई बीसी 2a साइन थीटा, पुट कर देंगे 2a साइन थीटा। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2a को तो q के साथ लिख देते हैं, e साइन थीटा को अलग से लिख देते हैं। तो क्यों लिखा बच्चों मैंने 2aq को साथ में? क्योंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी बन गई, 2aq होता है p, p मतलब डाइपोल मोमेंट, जो भी हमने पढ़ा था पहले, डाइपोल मोमेंट p इज द प्रोडक्ट ऑफ q एंड 2a, तो 2aq को हम p भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ p लिख देते हैं तो tau इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? pe साइन थीटा, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ tau, ये मैग्नीट्यूड है। और अगर वेक्टर फॉर्म बोले तो हमने पढ़ाई था क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा आ रहा है ना, साइन थीटा को हटा देंगे तो tau इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p क्रॉस e। इसको बच्चों e क्रॉस p नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखना, इसको लिखने का जो ऑर्डर है सिर्फ p पहले आएगा और e बाद में आएगा, tau इज इक्वल टू p क्रॉस e। क्लियर है कहानी? नेट फोर्स लग रहा है क्या इस पे? नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि दो फोर्स हैं, पॉजिटिव पर भी क्यू ई, नेगेटिव पर भी क्यू ई, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स जीरो है। अब आपसे बोलेंगे टॉर्क लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि दोनों फोर्स पैरेलल हैं। जब ऐसे कोई फोर्स होते हैं जो किसी सिस्टम पर पैरेलल वर्क करते हैं तो वो इसको रोटेट करा देते हैं। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? कोई भी एक फोर्स ले लो जब दोनों सेम होते हैं तो क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होती है जो दोनों से पैरेलल परपेंडिकुलर होती है बीसी। बीसी को आप डायग्राम से फाइंड कर सकते हो साइन थीटा का यूज करके, तो बीसी 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा यहां पुट करके 2aq को, ध्यान रखना हमेशा 2aq को हम p लिख देते हैं, p इज द डाइपोल मोमेंट, तो हमारे पास टॉर्क आ जाता है pe साइन थीटा। थीटा अगर हम साइन थीटा को हटा दें तो इसकी एक वेक्टर फॉर्म आ जाएगी, tau इज इक्वल टू p क्रॉस e। ये आपका पूरा कंप्लीट है आज का काम।